बीच कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज होने वाली है। सोनिया गांधी ने कार्यसमिति की जो अहम बैठक है वो बुलाई है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन, जहां कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन होगा, साथ ही मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और कांग्रेस का अधिवेशन बुलाने पर भी फैसला होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग में प्रस्ताव रख सकते हैं, जहां फरवरी मार्च में राजस्थान का जो अधिवेशन है, राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन वो हो सकता है। प्रभारी महासचिव अजय माकन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस के लिए, एक सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज बुलाई गई है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा इस बैठक का रहेगा? जी बिल्कुल, आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है। 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये बैठक बुलाई गई। तमाम जो प्रभारी महासचिव हैं बैठक में शामिल रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी मेंबर वो भी शामिल रहेंगे। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस बैठक में बुलाया गया है, तो वो शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अधिवेशन की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे, पिछली मुलाकात भी उन्होंने राजस्थान में अधिवेशन कराने का प्रस्ताव दिया था। कुछ नेताओं का ऐसा मानना है कि जैसलमेर में अधिवेशन कराया गया, हालांकि पिछली बार अधिवेशन को लेके कुछ भी जो है क्लियर नहीं हुआ कि अधिवेशन कराया जाना चाहिए, कब कराया जाना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पहले अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाना चाहिए और सीडब्ल्यूसी के नए मेंबर्स को चुना जाना चाहिए, उसके बाद अधिवेशन किया जाना चाहिए। आज की बैठक में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेके प्रस्ताव रखेगी कि कब चुनाव कराया जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के अप्रूवल के बाद ही चुनाव कराया जाएगा। हालांकि जो इलेक्शन अथॉरिटी कमेटी के जो अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 15 से 20 दिन चाहिए होंगे सीडब्ल्यूसी के अप्रूवल के बाद इलेक्शन कराने के लिए। उनके पास सिर्फ मार्च से पहले पहले सीडब्ल्यूसी अगर अप्रूवल दे दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष की कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है। पिछली बार जब कुछ नेताओं की तरफ से पत्र लिखा गया था कांग्रेस अध्यक्ष को, उनकी तरफ से कहा गया था कि ब्लॉक लेवल से लेके अध्यक्ष पद तक के तमाम जो नेता है उनका वोटिंग के जरिए चुनाव होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही कांग्रेस में तमाम नियुक्तियां होनी चाहिए। इसी को लेके आज की जो बैठक है इसमें चर्चा हो गई कि इलेक्शन कब कराया जाए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स का भी चुनाव किया जाना है, दोनों को लेकर इलेक्शन होंगे। साथ में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि जिस तरीके से देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसमें कांग्रेस को क्या कुछ स्टैंड लेना चाहिए, आगामी जो बजट सत्र है उसमें कांग्रेस को किन मुद्दों को उठाना है। जिस तरीके से व्हाट्सएप लीक की बात हुई थी, एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप लीक मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, उसको क्या सदन में रखना है, किस तरीके से पेश करना है, बाकी जो तमाम विपक्षी दल है उनके साथ किस तरीके से बैठक करनी है, क्योंकि बजट सत्र से पहले और पार्टी बैठक मीटिंग भी बुलाई जाएगी। जी प्रीत, इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसका प्रस्ताव भी रखा जा सकता है और इस बारे में जानकारी भी लगातार मिल रही है, इसके बारे में जो पैरवी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं आज? जी बिल्कुल, अपनी तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से पेशकश की जा सकती है। अगर अधिवेशन की चर्चा होती है कि हाल ही में अधिवेशन बुलाया जाना है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह पेशकश की जा सकती है कि राजस्थान में अधिवेशन बुलाया जाए, क्योंकि 3 मात्र ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिवेशन हो सकता है कांग्रेस शासित, पंजाब और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हालांकि पंजाब और छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी तरीके की अधिवेशन बुलाने की कोई पेशकश नहीं की गई की ओर से नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये पेशकश की करते रहे कि अगर अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है तो उसको राजस्थान में रखा जाए। तो फिलहाल अगर आज चर्चा होगी इस मसले पे तो ये बिल्कुल तय माना जाएगा कि जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो राजस्थान में बुलाया जाएगा। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।